भाई आप सभी लोगों ने कोशिश की होगी कि YouTube पर, Facebook पर और Google पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन करें। उससे आप एडवर्टाइजमेंट रन करके आपको लीड मिले, लेकिन पहले समझना जरूरी ये है कि भाई Facebook ऐड और Google ऐड या YouTube ऐड में से कौन सा कहां पर फिट बैठता है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बेहतर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप चाहते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना, तो पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए फिट बैठेगा, कौन सा एडवर्टाइजमेंट कहां पर काम आता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल पर वीडियो देखी होंगी, आपको समझ आया होगा कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से हम कैसे अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ ये नहीं आता है कि भाई कौन सा एडवर्टाइजमेंट मुझे चलाना चाहिए, क्या Facebook ऐड चलाना चाहिए या Google ऐड चलाना चाहिए या फिर YouTube एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए। तो आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, समझना जरूरी क्यों है, समझना जरूरी है कि अगर आपने गलत एडवर्टाइजमेंट चला दिया तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी खर्च होगा और आपको लीड भी नहीं आएगी। दोस्तों पहले हम समझते हैं YouTube एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि YouTube एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है और YouTube एडवर्टाइजमेंट का क्या फायदा होता है। दोस्तों देखिए, आपका कोई प्रोडक्ट होता है, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आप अपने आप को प्रमोट करते हैं, अभी तक आपको आपके एरिया में या आपके कंपनी में कोई नहीं जानता है, आपको कस्टमर्स नहीं जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को प्रमोट करना, आप चाहते हैं अपने आप को एक ब्रांड बनाना, तो YouTube एडवर्टाइजमेंट सबसे बेस्ट है। क्योंकि आज की डेट में हर कोई वीडियो देखना पसंद करता है। आज की डेट में अगर कोई आपका फेस देखेगा, आपका फेस उसको बार बार दिखाई देगा, आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, आप उसको ऑनलाइन डेमो देंगे, तो वो आप पर ट्रस्ट करने लगेगा। जब वो आपका फेस बार बार देखेगा तो उसको आप पर ट्रस्ट हो जाएगा। और यही नहीं कि आपके पास जितने भी लीड्स आती हैं, आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीड आ रही हैं, आपने कहीं से लीड्स ली हुई हैं, तो उन लीड्स पर आप YouTube एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। YouTube एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि भाई गूगल ऐड और फेसबुक ऐड में क्या फर्क होता है। दोस्तों देखिए क्या होता है कि गूगल ऐड क्या होता है। गूगल ऐड पर, यानी कि अगर कोई क्लाइंट गूगल पर कोई भी कीवर्ड टाइप करता है, तो इसका मतलब यह है कि क्लाइंट खुद सर्च करके, खुद टाइप करके आपके पास पहुंच रहा है। अगर किसी को एसी खरीदना है और वो गूगल पर लिखता है कि बेस्ट एसी इन इंडिया इन 2022, दैट मींस उसकी रिक्वायरमेंट है, वो खुद अपने आप टाइप करके गूगल पर सर्च कर रहा है। और वहां पर अगर आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देता है तो उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि उसने खुद सर्च किया है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो खुद ढूंढ रहा है, तो उसके चांसेस हैं कि वो वहां से कन्वर्ट हो जाए, उसके चांसेस हैं कि वो वहां से आपको कॉन्टैक्ट करें। अगर आपका बिजनेस है इंश्योरेंस से रिलेटेड और आपने एडवर्टाइजमेंट गूगल पर रन किया हुआ है, सपोज LIC जीवन उमंग प्लान या LIC जीवन तरुण प्लान, तो अगर किसी क्लाइंट ने गूगल पर सर्च किया LIC जीवन तरुण प्लान या LIC चिल्ड्रन प्लान, तो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देता है तो आपके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर पहुंचेगा और वहां पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एक इंक्वायरी फॉर्म होगा, तो वो वहां पर इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर सकता है और आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। यानी कि गूगल से कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि गूगल पर जो लीड्स आपको आएंगी, वो लीड्स क्लाइंट ने खुद सबमिट किए हैं, वो लीड्स क्लाइंट खुद सर्च करके आपके पास पहुंच रहा है, तो यहां पे जो कन्वर्जन रेशो है वो बहुत हाई रहता है। ये तो है गूगल एडवर्टाइजमेंट। अब गूगल एडवर्टाइजमेंट पर आप अपने जो एडवर्टाइजमेंट है वो रन कर सकते हैं, आप बजट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपका बजट कितना है, आप 500 रुपीज़ पर डे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 200 रुपीज़ पर डे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 100 रुपीज़ पर डे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने खुद एडवर्टाइजमेंट रन किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा गूगल पर ऐड रन करके, क्योंकि गूगल पर ऐड रन करने से आपको एक तो आलतू फालतू के क्लिक्स नहीं आएंगे, आपका पैसा उसी पर कटेगा जो कीवर्ड आप टारगेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस कीवर्ड पर मुझे अपना ऐड रन नहीं करना है, तो आप उस कीवर्ड पर उसको निगेटिव कीवर्ड में डाल के उसको हटा सकते हैं। अगर आपको ऐड रन करने नहीं आते हैं, तो मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको सिखाया हुआ है कि कैसे आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, कैसे आप गूगल ऐड के द्वारा कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक है, कौन से कीवर्ड पर कितने सर्चेज आ रहे हैं मंथ के, कौन से कीवर्ड पर कितना पे कॉस्ट पर क्लिक देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
और दोस्तों कंपटीशन की जहां तक बात है, कंपटीशन तो आज की डेट में हर प्रोडक्ट के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, हर जगह कंपटीशन होता है। सही मायने में अगर आप सही एडवर्टाइजमेंट सही टारगेटिंग से रन करेंगे तो वहां पर आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो समझिए कि गूगल ऐड क्या होता है। गूगल ऐड यानी कि गूगल पर क्लाइंट खुद अपने हाथों से टाइप कर रहा है और टाइप करके उस कीवर्ड पर आपका एडवर्टाइजमेंट रन हो रहा है, तो वहां से आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सही कीवर्ड फाइंड आउट करना है, कौन सा कीवर्ड आपके लिए फायदेमंद होगा, किस कीवर्ड पर आपको एडवर्टाइजमेंट चला के लीड्स आएंगी, ये आपको फाइंड आउट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने गलत कीवर्ड पर एडवर्टाइजमेंट रन किया तो दोस्तों यहां पर आपका क्लिक पर पैसा भी कटेगा और आपको लीड्स भी नहीं आएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सही कीवर्ड का चुनाव करें और सही कीवर्ड उसमें से ऐसे कीवर्ड को हटा दें जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं है। जैसे अगर कोई क्लाइंट सर्च करता है कि आई वॉन्ट टू पे प्रीमियम फॉर LIC पॉलिसी, अगर आपने इस कीवर्ड पर एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया गूगल पे और आपका एड वहां पे क्लाइंट को दिखाई दे रहा है, जो सर्च कर रहा है उसको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर क्लिक करेगा। अब उसको तो प्रीमियम पे करना है, वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, आपकी वेबसाइट पे प्रीमियम पे नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वहां से वापस आ जाएगा। अब देखिए आपका क्या लॉस हुआ, आपका लॉस ये हुआ कि उसने आपके ऐड पे क्लिक किया और क्लिक करते ही आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जो कीवर्ड्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो ये था गूगल ऐड। तो गूगल ऐड पर क्लाइंट खुद सर्च करके खुद आपके पास आ रहे, यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से दोस्तों होता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। फर्क समझिए दोस्तों, गूगल ऐड पर क्लाइंट खुद सर्च करके आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन फेसबुक ऐड पर क्लाइंट खुद सर्च करके आपके पास नहीं पहुंच रहा है, बल्कि आप क्लाइंट के मोबाइल पर पहुंच रहे हैं, आप लोगों के मोबाइल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर यह चीज है कि आपको सही तरीके से टारगेटिंग करनी है कि आपको अपना एडवर्टाइजमेंट कहां पर रन करना है। आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो लोग मेल हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो आप सिर्फ फीमेल्स को टारगेट कर सकते हो। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ इस एज कैटेगरी में आता है, जैसे 25 साल से 35 साल के बीच के लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप एज वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर पढ़े लिखे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप MBA, MCA या कोई डॉक्टरेट डिग्री है उनको आप टारगेट कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको टारगेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो पेरेंट्स हैं, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए है, जैसे LIC चिल्ड्रन प्लान या कोई भी चिल्ड्रन प्लान आप ले लीजिए, तो आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ उन्हीं लोगों के मोबाइल पर चलेगा जो लोग फेसबुक चलाएंगे और जो पेरेंट्स हैं जिनकी एज 25 साल से 35 या 40 साल के बीच में, तो उनके मोबाइल पर ही आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि भाई मैं इस कंपनी के एम्प्लॉइज को टारगेट करना चाहता हूं, जैसे SCL कंपनी है, जैसे BSNL है, जैसे MTNL है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जैसे इंफोसिस है, आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इसी कंपनी के एम्प्लॉइज को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूं, तो आप कंपनी वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, आप ये भी टारगेट कर सकते हैं कि उन लोगों के मोबाइल पर मेरा एडवर्टाइजमेंट चले जो सिर्फ एप्पल फोन यूज करते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मेन होता है कि आप अगर सही तरीके से टारगेटिंग करेंगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, तो आप यहां से सही ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। आप जरा सोचिए, अभी आप फील्ड में जाते हो, अभी आप लोगों से मिलते हो, तो क्लाइंट तो आपके पास नहीं आ रहे ना, आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, आप वहां पे जाके ढूंढ रहे हो। इसी तरीके से फेसबुक होता है, फेसबुक पर क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा है, आप क्लाइंट के मोबाइल पर पहुंच रहे हो, लेकिन सही ऑडियंस तक आप पहुंच रहे हो, सही लोगों तक आप पहुंचेंगे तो वही आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आपने फेसबुक पर गलत टारगेटिंग कर दी, आपने सीखा नहीं कि आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, आपने गलत टारगेटिंग कर दी, तो दोस्तों आपका पैसा भी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो मेन होता है टारगेटिंग। आप सही तरीके से टारगेटिंग करेंगे तो यहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, आपको यहां से क्वालिटी लीड्स भी आएंगी। अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी नहीं है तो आप कि ऑडियंस आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगी, वो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, लेकिन देखने के बाद उनको अगर सही नहीं लगेगा, उनसे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो वापस निकल जाएंगे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि गूगल ऐड और फेसबुक ऐड में क्या फर्क होता है। गूगल ऐड आप चलाएंगे यानी कि क्लाइंट खुद सर्च करके आपके पास पहुंच रहा है, ये होता है गूगल ऐड।
और फेसबुक ऐड क्या होता है, क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, आपको क्लाइंट के मोबाइल पर पहुंचना पड़ेगा। क्लाइंट सर्च नहीं करेगा बल्कि आपको क्लाइंट के मोबाइल पर पहुंचना पड़ेगा। जब भी वो फेसबुक चलाएगा, फेसबुक को स्क्रॉल करेगा, वो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा और अगर उससे रिलेटेड, उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपका एडवर्टाइजमेंट होगा तो वो उस पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबमिट करेगा, तुरंत इंक्वायरी आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर वहां पर है तो वो आपसे मोबाइल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये था गूगल ऐड और फेसबुक ऐड। अब बात करते हैं हम यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट की। दोस्तों समझिए, जो लीड्स आपके पास गूगल ऐड से आई है, तो आपके पास उसका नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल आईडी है। जो लीड्स आपको फेसबुक ऐड से आई है तो उसका भी आपके पास नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। इन दोनों को आप इकट्ठा कर लीजिए। आपने ये दोनों इकट्ठे किए तो आपके पास सबकी ईमेल आईडी आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब ऐड रन करना है। यूट्यूब ऐड आपको रन करना है यानी कि आपको एक अच्छी क्वालिटी वीडियो बनानी है उस प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। अब जो ईमेल आईडी आपके पास है, जो डाटा आपके पास है, ऐसा नहीं कि आपने बाहर मार्केट से कोई डाटा खरीद लिया, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आपके पास अपना ओन डाटा होना चाहिए, उन लोगों का डाटा जिन्होंने खुद सर्च किया है, जो आपके पास पहुंचे हैं, जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया। जब आपके पास वो लोगों का डाटा आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब ऐड रन करना है। आपने एक क्वालिटी वीडियो बनानी है, प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनानी है, उसमें आपको बताना है कि भाई इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं। जब आप वो एडवर्टाइजमेंट यानी कि YouTube एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को आप टारगेट करेंगे जो आपके पास डाटा है। सपोज आपके पास 5000 लोगों का डाटा है तो आपने 5000 लोगों को इकट्ठा किया, उनका ईमेल आईडी आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने YouTube ऐड रन करना स्टार्ट कर दिया। वो लोगों के मोबाइल पर ही आपका ऐड चलेगा जिनका डाटा आपके पास है, क्योंकि वो पहले आपको जानते हैं, वो पहले आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप ब्रांड बन सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, चाहे वो गूगल पे किया हो या फेसबुक पे किया हो, वो लोग आपको जानते हैं, वो लोग पहले आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं। अब आप उनको यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे और एडवर्टाइजमेंट तब तक दिखाएंगे जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते। आपने यूट्यूब ऐड रन किया, जब भी वो यूट्यूब पर कोई वीडियो देखेंगे तो वीडियो के बीच में आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा। जैसे आपने देखा ना, जब आप कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो के बीच में ऐड आता है जिसको आप स्किप कर देते हो, इसी तरीके से आप उनको भी अपना ऐड दिखाएंगे। अब वो बार बार रोज आपका ऐड देखेंगे तो उनके माइंड में हो जाएगा कि हाँ ये बंदा है जो इंश्योरेंस पॉलिसी करता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। हो सकता है उस दिन वो डिसीजन ना ले पाया हो, 10 दिन के बाद उसको लेना हो, या 1 महीने के बाद लेना हो, या 2 महीने के बाद लेना हो। जब वो आपका एडवर्टाइजमेंट बार बार देखेगा तो उस दिन तो उसने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा था, उस दिन तो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी थी, लेकिन 1 महीने बाद तो वो खरीद सकता है। उसके माइंड में आपका नाम सेट हो जाएगा कि हाँ ये बंदा है जो इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको कन्वर्जन आ जाएगा, धीरे 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 करके आपको कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बगैर आप आगे तक नहीं पहुँच सकते हो। आप सिर्फ अभी तक जिस तरीके से पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से काम करते जा रहे हो, उसी तरीके से अगर आप काम करते रहोगे तो फिर वही साल में 12 पॉलिसी होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास रोज़ सैकड़ों हज़ारों क्लाइंट्स आते हैं, कैसे, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी एडवर्टाइजमेंट सीखें और एडवर्टाइजमेंट सीखकर आपके पास भी क्लाइंट आए और आप भी MDRT COT TOT कर पाएं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 4 मॉड्यूल मैं इसमें कवर कराऊंगा। पहला मॉड्यूल होगा, मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल पर कैसे आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। तीसरा मॉड्यूल होगा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक से कैसे आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। एंड फोर्थ मॉड्यूल इज यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब से आप अपने आप को कैसे ब्रांड बना सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अभी आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं और साथ साथ आप YouTube से भी इनकम कर सकते हैं, YouTube से भी आप पैसा कमा सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जितनी इनकम अभी आप LIC से ले रहे हो उससे कहीं ज़्यादा इनकम आप YouTube से अर्न कर सकते हो। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें और आप लोग भी अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँ और आप MDRT COT TOT कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आऊँ, जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।